तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार और अब हम जाएंगे गंगा जी में स्नान करने। तो उससे पहले ये मेरी बहन कपड़े निकाल रही है, जल्दी जल्दी निकालो कपड़े, टाइम ही नहीं है। तो आप तो हमने यहाँ पर कपड़े ले लिए, ये भी रख दे हनी। और देखो सामने व्यू कितना प्यारा आ रहा है, पहाड़ है फिर गंगा जी है। और मेरे को तो यहाँ पर नहाने में बहुत मजा आएगा और मैं यहाँ पर करीबन दूसरी बार आ रहा हूँ, एक बार पहले मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर कपड़े गिरा दिए इन्होंने, मैं यहाँ पर ये दूसरी बार आ रहा हूँ। तो चलो अब नहाते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर गंगा जी कितनी शीतल है और कितनी अच्छे से जा रही है पानी, और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु भी है नहा रहा है, यहाँ पर स्नान कर रहा है। और यहाँ पर तो बहुत भीड़ है और हमको तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ ना है। देखो भीड़ ही भीड़ दिख रही है यहाँ पर, इंदौर की जनसंख्या कहाँ आते हैं हम। तो यहाँ पर अब आरती भी स्टार्ट हो चुकी है और अब हम लेट हो चुके थे बहुत, तब आरती के दर्शन कर लेते हैं पहले। तो गंगा जी में नहाने के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर तो पानी तो बहुत ठंडा है, पानी का भाव भी तेज है, बहुत सुन हुआ है, ठंडा पानी बहुत है, ठंडा पानी बहुत है और पानी का भाव भी बहुत तेज है। देखो ये पानी का भाव भी तेज है और सही में नहाने में तो मजा ही आ गया मेरे को, बहुत ही मजा आया। गंगा जी की, गंगा माता की जय हो। तो अब हम नहा लिए हैं और हम तैयार भी हो चुके हैं। तो गुनगुन जी क्या करना अब, चलो कुछ खा के आते, गुनगुन जी ने बोला है। तो हमने एक प्लेट ककड़ी ली है, ककड़ी खाएंगे अब। तो ककड़ी खाने के बाद अब हम खाएंगे ये, क्या ये भैया क्या ये, बर्गर छोले, बर्गर छोले। तो देखते हैं बर्गर छोले तो मैं पहली बार खा रहा हूँ, तो देखते हैं कैसे लगते हैं ये। तो ये वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। ओ मेरा भाई मेरे लिए लिया है, क्या ये बेल, बेल। तो चलो खा के देखते हैं भेल को, और भेल तो एक नंबर लग रही है, कितने की है भेल, 30 रुपए की, एक नंबर है भेल। तो यहाँ पर हमारा आधा खाना आ चुका है और आधा भी आ रहा है, और मुझे तो सही में बहुत भूख लग रही है, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया खाना।